नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। सिलौड़ी भाजपा मंडल सिलौड़ी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सोमवार से शुरू हुआ, जिसमें भाजपा के इतिहास पर विकास पर चर्चा की गई। प्रथम दिन के सत्र का शुभारंभ भारत माता दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। उद्घाटन सत्र में भाजपा जिलाध्यक्ष रामरतन पायल ने भाजपा के इतिहास और विकास पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को संघ से लेकर जनता पार्टी के बाद भाजपा की स्थापना सहित वर्तमान की स्थिति पर विचार रखे। मंडलाध्यक्ष प्रशांत राय ने कार्यकर्ताओं को चरहवीति का उदाहरण देते हुए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शिविर को जिला उपाध्यक्ष राजेश चौरसिया, वरिष्ठ नेता गणेश राव, जिला सदस्य पूजा देवी सिंह और जिला सदस्य प्रगति राय ने भी संबोधित करते हुए दिशा मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता की उपस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी, हिंदू समाज का 1947 में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था और हुआ, दल हमें कहते हैं ये तो सेक्युलर लोग, केवल हिंदुओं की बात है। चौराहा पड़ेगा। मैं मित्रों जस्टिस छांगला जिनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 6 अप्रैल 1980 1967 में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने डाल दिया, बीज अंकुरित हुआ। हमारे आदिवासी कार्यकर्ताओं ने उनके रूप में उसको खाद्य मिली और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश और देश दोनों में इस विचारधारा का एक वृक्ष बन गया है। बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, ये भूमंडलीकरण के नाम से पूंजीवाद को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं।